जो हमारे बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने गए हैं और उनके सम्मान में उनके प्रोत्साहन में जो विदाई समारोह का आयोजन किया गया है उसकी अध्यक्षता या निर्देशन इंजीनियर अनिल कुमार जी कर रहे हैं और श्रीमती श्रद्धा कुमारी जी भी जो संस्थापक में से हैं, प्रिंसिपल पवन जी हैं और रामचंद्र बाबू का उप प्रमुख हैं, हमारे रफत अली साहब हैं, इकराम साहब हैं और हमारे महेंद्र मांझी जी जो हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सदर के प्रखंड अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं। उनके साथ साथ सभी बच्चे के अभिभावक माता पिता जो हैं उपस्थित हैं और अन्य विद्यार्थी उपस्थित हैं, सबको हम अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, शुभकामना। देवियों सर जो सही बात है कि इमामगंज क्षेत्र जो हम 2015 में आए थे तो ही बताया जाता था कि यहाँ अनेक प्रकार की बातें थी, लेकिन 15 से 20 के बीच में हमने प्रयास नहीं किया बल्कि आप लोगों का सहयोग मिला जिसके चलते यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रही। और जब शांति व्यवस्था कायम होती है तो निश्चित है कि विकास का काम होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आज जो शिक्षा का माहौल है, हम एनडीए में हैं, शासक दल में हैं, बावजूद उसके हम इस बात की चर्चा सदा करते रहते हैं कि जो शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए वो शिक्षा आज गरीब के बच्चों को नहीं प्राप्त हो रही है। और इसमें हम राय एक जुमला कहा करते हैं और जुमला नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था, उसने लोहिया जिले में समर्थन किया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भ्यंगी का संतान सबको शिक्षा एक समान, अगर सबको शिक्षा एक समान दी जाती तो आज हम नहीं समझते हैं कि गरीब के बच्चे इस गांव में हमारे मुकुल जी के प्रयास से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि चाहे फ्रांस की बात हो, इंग्लैंड की बात हो या जापान चीन अनेकों संसार के देश हैं, वहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। और याद रखें कि यदि समान शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि कोई भी बच्चा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब एक प्रकार के विद्यालय में एक फैसिलिटी में पढ़ते, तो हम समझते हैं कि जो गरीबों में मेधा होती है, गरीबों में जो ऊर्जा होती है देहात के इलाका में, वो ऊर्जा शहर वालों में नहीं होती है। लेकिन शहर वाले थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद अपने बच्चों को अनेक तरह से ट्यूशन वगैरह पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं। आज आवश्यकता है, संविधान में हमारा है कि हम सबको समान एक तरह से अवसर देंगे, लेकिन आज समान अवसर एटलीस्ट शिक्षा के जगत में हम नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें अनेकों बात है, सामाजिक बात और सर्जन की बात करने में कहीं कहीं हम पर उंगलियाँ उठती है, लेकिन उंगली उठे लेकिन हमारे जो बहु बेटी यहाँ बैठी हैं, भाई बहन बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आज ये मुकुल बाबू यहाँ काम कर रहे हैं या यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएँ काम कर रही हैं, उनको कितना ही दे पाते होंगे, क्योंकि ये तो अपने किसी से ऊपर चला रहे हैं, एक तरह से शिक्षा दान दे रहे हैं, जो शिक्षा दान वहाँ वहाँ कहा जाता है तो बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर पैसे के टर्म में हम सोचें तो माउंट कार्मेल है, डॉन बॉस्को है, ये सब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, चल बड़े से भाई गया शिक्षकों को 10,000 12,000 15,000 या 20,000 रुपया की शादी नहीं मिलता है। और आज हमारे सरकारी विद्यालय कोई भी सरकारी शिक्षक हैं उनको 60,000 से नीचे नहीं मिल सकता, लेकिन कहाँ पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई वही होती है कि आप यहाँ इतने बच्चे और बच्चियाँ आ गए हैं, इनको सेवा मामूली दे रहे हैं, तो सब रेस्पेक्ट हो गए, ये तो नहीं कि कोई लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप में इन्होंने मेहनत किया, आप लोगों से संपर्क किया, बच्चों की पढ़ाई शुरू की और आप प्रभावित हुए कि हमारे बच्चे अच्छे जगह पर हैं, तो सब अपने मन से अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया और बच्चे आज पढ़ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं।
लेकिन सरकारी व्यवस्था में जो परिस्थितियाँ हैं सोचना पड़ेगा मेरे भाई। हो सकता है चुनाव का समय होता है ये बहुत बहुत मिल पाते थे, आज इनको हम समझा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज शिक्षा व्यवस्था एकदम गड़बड़ है, चौपट है। जो बजट है शिक्षा का वो खासी स्थिति में है, काफी परसेंटेज खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च होने के बाद भी हम बच्चों को पढ़ाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम आज 2017 से इसकी मांग कर रहे हैं। जब अम्बेडकर साहब की बात हम लोग करते हैं, जय भीम करते हैं, जय लोहिया की बात करते हैं, तो सिर्फ जय लोहिया और जय भीम करने से काम नहीं चलेगा, उनके बताए हुए बातों को चलना करना चाहिए। और सरकार को निश्चित रूप में सोचना चाहिए कि चाहे मजदूर का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, जज का बेटा हो, कलेक्टर का बेटा हो, सब एक विद्यालय में पढ़ेगा, एक ढंग से पढ़ेगा। और इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्वागत रही आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 साल पहले कहा था और हम कुछ दिन के लिए इत्तेफाकन मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब हम बजट पास कर करके इम्प्लीमेंट करना चाहते थे उसके पहले हमको हट जाना पड़ा, और नहीं तो हम डंडा मार करके तय करते कि सरकारी विद्यालय में कलेक्टर का भी बेटा पड़ेगा, जज का भी बेटा पड़ेगा। स्वाभाविक है कि चपरासी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है कलेक्टर और जज ध्यान नहीं देते हैं, अगर उनका बेटा उस स्कूल में पढ़े तो उस पर जरूर ध्यान जाएगा, मास्टर अच्छे समय पर आवेंगे, ठीक ढंग से पढ़ावेंगे, पढ़ाई की गुणवत्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। आज जमहूरियत है, आज अभी देखा कि जो नियोजित शिक्षक हैं समुच्चय बिहार में पार्टी के रूप में सरकार का एक पक्ष का विरोध किया। ये काम है टीचर का, ये काम है उनका, वो तो अच्छा से अगर पढ़ाते तो गार्जियन ही आपके बारे में कहते हैं। हम ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन 3 बजे एक ही बजे समय था एक जगह जाने का, इसलिए नहीं तो ऐसे समय में मुकुल जी कभी सेमिनार कीजिए, बुलाइए आप फुल गार्जियनों को बुलाइए और इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। राजा बनाते हैं प्रतिनिधि करके हम लोग जाते हैं और वहाँ इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। क्या कारण है कि एक बच्चा हम हैं जिस जात का, हमारा बेटा जो अभी मंत्री है ना मालूम होगा आपको, डॉन बॉस्को ने उसको पढ़ाया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कितने हमारे समाज के लोगों को सिखाई है तो उसका पढ़ाई कराएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा विकास हो गया। उसी प्रकार से अन्य समाज के लोगों के साथ भी है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख महीने सालाना दे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन किसी भी जात का किसी भी धर्म के लोग हों उनके गरीब के जो बच्चे हैं यही सरकारी विद्यालय पर डिपेंड करते हैं। और सरकारी विद्यालय का कहानी तो आपको 12 बजे आवेंगे तो कोई लेट नहीं होगा और 3 बजे चले जाएंगे तो कोई सवेरा भी नहीं होगा, यानी इस तरह से करते हैं। मास्टर लोग सुनेंगे तो बड़ी गाली देंगे उनको, सब लोग कहेंगे भीतर मारी सरकार की बात बोल रहा है, लेकिन ये गार्जियन तो सुनना चाहिए। विद्यालय समिति होती है, विद्यालय समिति में 5-7 सदस्य होते हैं, अगर वो कंपेल करें बात करें कि आप पढ़ाई पढ़ाई ठीक से अच्छे समय पर आइए तो हम समझते हैं कि आज भी उसकी गुणवत्ता ठीक हो सकती है, तो इसीलिए हम गार्जियन से और नौजवान बच्चों से आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति कायम कीजिए ताकि लोग पढ़ावें। और मुकुल बाबू आपने बहुत सुंदर काम किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप ऐसे बच्चे जो आज एक झंडा लेकर के बोलते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सीखे मुकुल जी से कि नौकरी की क्या बात है, लोगों को अपने पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपना ही इस तरह से पालन कर रहे हैं, यही होना चाहिए, सबको यही सोचना चाहिए। सरकार आज हमारा 121 करोड़ जनसंख्या है, पढ़ने की संख्या अगर मान लीजिए 70% हम लोग हैं तो करोड़ों में आ जाता है हम लोगों की जनसंख्या पढ़े वाले, तो सबको नौकरी कहाँ पर लगी, झूठ लोग बोल लेता है कि हम 10,000 नौकरी देंगे, 19,000 नौकरी देंगे, 50,000 नौकरी देंगे। नियोजन और नौकरी दोनों फर्क है, नियोजन दे सकते हैं, नियोजन का मतलब यही है कि दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। आज मुकुल बाबू अपने साथ साथ 4-5 स्टाफ को रखे हुए नीचे है, ऊंचे पैसा देते होंगे लेकिन काम तो चल रहा है और बहुत बड़ा काम चल रहा है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो अच्छी शिक्षा की आवश्यकता उनको ठीक नहीं मिल पा रही थी, आज यहाँ पर उनको शिक्षा दी गई और हम आशा करते हैं कि चाहे बच्चे हो या बच्चा हो मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा अगल बगल जो सरकारी विद्यालय हैं उन बच्चों से इनका रिजल्ट कहीं अच्छा होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं लगता।
है कि हमारे बच्चे सही हैं। तो इस तरह दोनों बात सामने है, इस चीज में हमको आपको समझना चाहिए और समझ करके अच्छी शिक्षा देने की बात करना चाहिए। और आज जो बच्चे बाहर जा रहे हैं खास करके हम इनको शुभकामना देते हैं और ये जरूर करना चाहते हैं कि मन लगा करके पढ़ना हम समझते हैं कि सबसे बड़ी बात है। और ये मत समझना समस्या की बात मत समझना कि हमको पढ़ाई नहीं हुई या हमको किताब नहीं हुई हम क्या करेंगे। अरे कौन है कौन बोला है कौन का भी नहीं पढ़े दारू बना पिए हुए है। तो बच्चों को हम ये सीख देना चाहते हैं क्योंकि हम भी उसी तरह से पढ़े हैं। हमारे शिक्षक ये कहा करते थे नहीं कोई पढ़ावे कोई काम को तो तीन बार करो, पहला काम लिखोगे फिर दो दिन के बाद उसी को दूसरा बार लिखोगे तो उसमें कुछ गलतियाँ आ जाएगी सुधर जाएगा। अब तीसरा बार जब उसको लिखोगे तो एक दिन कोई भी मास्टर पढ़ाएगा उसे अच्छा तुम पढ़ सकते हो लिख सकते हो बोल सकते हो। तो इस तरह का प्रयास करना चाहिए। अभी सेंटर से हम लोग भी पढ़े हैं 7 किलोमीटर पैदल जाते आते समय नहीं मिलता था लेकिन मास्टर का ये जो तत्व दिया गया था हम सही करते थे ट्रांसलेशन बनाते थे कोई और प्रश्न का उत्तर देते थे। तो तीसरा बार जब हम देते थे तो उस चीज को मास्टर भी नहीं काट करते कहते थे कहाँ से तुम पढ़ के लिए आए। आज हम लोगों को कहना चाहते हैं सब ठीक करो और परीक्षा देने लगोगे तो उसकी गलती हमने की है। हमको फर्स्ट डिवीजन कभी नहीं आया जबकि हम स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते थे जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हम लोग क्लास लेते थे। तो गुरु गुरु हो गया क्या लक्ष्य नहीं हुआ कारण कारण क्या है कि हमने एक बारी गलती थी वो गलती बेटा बेटा तीनों को कहते हैं मत नहीं करना। परीक्षा में जो क्वेश्चन आवे जो सहज क्वेश्चन पहले नजर आए उसको लिख लेना उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है उसको देखना और उसको रिपीट करो यानी आधा घंटा समय 10-20 मिनट समय पहले उसको दोहरा लो कि क्या हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर तुम दोहराओगे अपने जो लिखे हो गलती अपने आप सुधार हो जाएगी। अब इस तरह से अगर करोगे तो उन लोगों को हाईएस्ट मार्क आएगा यही क्योंकि हम बोलते हैं हम बाद में जब हम कहेंगे जब कॉलेज में आए तो आपके आपस क्लास पढ़ाने लगेगा तुम इतना जिस क्लास में हो उस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो ट्यूटोरियल क्लास में पढ़ा रहे हो। प्रोफेसर को लोग मना कर देता था कि सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि रोल 100 ही पढ़ाएंगे हमारा रोल 100 था उस समय तो ही पढ़ाएंगे। और हम पढ़ाते थे तो सब लोग कहते थे कि नंबर वन आपको कहे नहीं आया यही कहते थे। दूसरा कारण वही था कि हम उसको रिपील नहीं करते थे देखते एक बार लिख लिया आधा घंटा एक घंटा पहले कॉपी लेके बैठे हुए नहीं जो भी 20 मिनट बचे 10 मिनट बचे उसका तुम उपयोग करो और उपयोग करोगे तो देखोगे कि पहले अगर कोई गलतियाँ हुई है अपने आप सुधर जाएगी और जब वो सुधार लोगे तो तुम लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। यही टिप्स आज के समय में उनको देना चाहते हैं और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए भी कामना करते हैं। और मुकुल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अगल बगल के लोगों को भी कि आप इनको सहयोग कीजिए और ऐसे ही गरीब परिवार के बच्चे कुछ पढ़ सकेंगे आगे जा सकेंगे। नहीं तो अभी जो व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था है इस व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे ऐसा कोई पागल आदमी आएगा तो डंडा मार के ठीक कर देगा हमको मौके नहीं मिलाने का ठीक कर देते लोगों को। आज इस तरह की बात नहीं होती लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसी में आपको जीना है इसी ढंग से आप लोग आगे काम कीजिए। आगे हम लोग लगे हुए हैं या और आगे आने वाले लोगों में उनके दिमाग में सब बात आएगी तो आज नहीं तो कल परिस्थितियाँ ठीक होगी हमारे गरीब के बच्चे भी बढ़िया से पढ़ सकेंगे और सरकारी विद्यालय के अलावा अन्य जगहों में पढ़ के अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे। तो इसीलिए आज सभी माता पिता जो आए हुए हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा जो है सामने उनको अच्छा समय दें मौका दें पढ़ने के लिए। अगर किसी कारण से बच्चे बच्चियाँ नहीं पढ़ रही हैं तो उनको समझा कर पढ़ाने का काम कीजिए। और कोई गंदी आदत जैसे शराब पीना है सिगरेट पीना है या और कोई बात है उन सब चीज से परहेज कीजिए। बाल बच्चों को उसको सामने ना आने दीजिए इस तरह की बात कीजिएगा तो हमारे बच्चे बच्चे आगे बढ़ेंगे उज्ज्वल चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे एक अच्छा नागरिक बनेंगे। यही आज के हम गार्जियन को भी कहना चाहते हैं इन्हीं जनसदनों के साथ हमको यहाँ आना नहीं था हमारा कार्यक्रम नहीं था। मालूम हुआ कि संतोष जी मंत्री हैं उनका कार्यक्रम था लेकिन वो कोई कारण से दरभंगा शायद चले गए हैं
तो उन्होंने कहा कि जाते जाते मिल लीजिएगा लोगों से, तो हमें यहाँ पर आए। हमको कहा गया था कि 15 मिनट समय, तो हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि 15 मिनट समय टेबल है, 1 मिनट का समय जब लेते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो 1 मिनट में ही 1 घंटा हो जाता है। तो चलिए 15 मिनट का समय हुआ, बड़ी को आधा घंटा समय लगा, उसमें 15 मिनट हम ही ले लिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बुलाए और आपका मेमोरियल दिन है उसका उज्जवल भविष्य हम कामना करते हैं। और फिर कहना चाहते हैं ऐसे प्रदेश में कभी गार्जियनों का सेमिनार बनाइए, हम लोग अच्छी से आएंगे, अपनी बात को समझा करके इनको प्रेरित करेंगे ताकि वर्तमान परिस्थिति से उठ करके अपने बच्चों को और ठीक ढंग से कैसे ले चले उसके में इन लोगों को रास्ता मिल जाए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।